दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे हर तरीके की विद्याओं में पूरी तरीके से पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण धर्म का एक नया रूप था। उन्होंने समाज के नीति नियमों को एक नए तरीके से चलाया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं उन्हीं रहस्यों के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि श्री कृष्ण का रंग काला या फिर श्याम था, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल श्री कृष्ण का रंग कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब हल्के काले जैसे दिखने वाला नीला, यानी जिस समय पर सूर्य अस्त होने वाला होता है और जिस तरीके से हमें आसमान दिखाई देता है, ठीक उसी रंग का भगवान श्री कृष्ण का कलर था। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि उनका रंग ना तो काला था और ना ही नीला, बल्कि उनका रंग काला, नीला और सफ़ेद तीनों का मिश्रित रंग था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के अंदर किस प्रकार की गंध आती थी? और अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जिस प्रकार की गंध श्री कृष्ण के अंदर से आती थी, उसी तरीके से द्रौपदी के अंदर भी वैसे ही गंध आती थी। द्रौपदी के अंदर जो गंध आती थी, उससे आसपास के लोग जल्दी आकर्षित हो जाते थे और लोग उसी दिशा में चल पड़ते थे। और इसलिए जब भी महल में कोई कार्य होता था तो उसमें द्रौपदी को इत्र, चंदन या फिर सौंदर्य का काम दिया जाता था। और वहीं श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण के अंदर से गोपी का चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध आती थी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों की तरह थी, और जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती थी, युद्ध के समय उनकी देह वज्र की तरह कठोर हो जाया करती थी, क्योंकि श्री कृष्ण योग की विद्या में पारंगत थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना इन सभी जगह पर बीता था, और अंत में जाकर उन्होंने द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया। और दोस्तों, जब श्री कृष्ण अंत में एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तभी एक बहेलिया ने हिरण समझकर वहां पर तीर मार दिया, और वो तीर श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा था, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह को त्याग कर दिया। और ये कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपनी देह को त्याग चुके थे, उस समय भी उनकी उम्र लगभग 119 साल थी, और 119 साल होने के बावजूद भी उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं थी, और इसके साथ में उनके बाल भी सफ़ेद नहीं थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लगभग 6 महीने के बाद ही द्वारिका भी धीरे धीरे करके जल में समा गई, और ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की उस द्वारिका को विश्वकर्मा और माया दानव ने मिलकर बनाया था। हालांकि समुद्र के अंदर उनके अवशेषों को देखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो बर्तन मिले थे वो सन 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं, और ये माना जाता है कि द्वारिका जल में डूबने से पहले ही नष्ट हो गई थी, और इस चीज़ पर अभी भी खोज चल रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईसा मसीह और श्री कृष्ण एक ही थे? वो कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस चीज़ पर हालांकि शोध चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ सूत्रों के अनुसार उन लोगों का ये कहना है, ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था। वो कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे, और उन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध मठ में रहकर साधना की थी, और उनके अनुसार श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि दोनों की जिंदगी से जुड़ी कुछ कुछ चीज़ें एक जैसी मैच करती हैं। लुईस जैकोलियत ने सन 1859 में एक अपनी किताब लिखी थी, जिसका नाम था दी बाइबल इन इंडिया। इस किताब में ये लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और जीसस क्राइस्ट एक ही थे। लुईस जैकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में श्री कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, और जीसस शब्द के विषय में लुईस ने ये कहा था कि जीसस नाम का उपयोग केवल संस्कृत भाषा में किया जाता है, और इसे संस्कृत में मूल तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये बात तो सच है कि सबका मालिक एक है, भले ही लोगों ने उसे अलग अलग भागों में बांट दिया हो। धीरे धीरे करके जब शोध आगे बढ़ेगी तो इसका खुलासा भी जरूर होगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।